गाइस पाकिस्तान का दोगलापन देखिए। एक तरफ तो वो कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का बाप चीन उइगर मुसलमानों पर आए दिन अत्याचार करता है, उनकी मस्जिदें तोड़ता है, जबरन मारपीट करता है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखता है, तब पाकिस्तान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। चीन के शिंजायांग प्रांत में रहने वाले लाखों उइगर मुसलमानों के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई कार्यवाही चलती रहती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन में उइगर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और उइगर मुसलमान खुद को चीन से अलग करके एक नया देश बसाना चाहते हैं, इसलिए चीन आए दिन उन पर अत्याचार करता रहता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इस बात का पता नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आज तक चीन में बसे मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कुछ बोला तो चीन बापू भीख देना बंद कर देगा। अपनी कौम को भेड़ियों के हवाले करके भारत में नाक घुसाने वाले पाकिस्तान को यह पता नहीं है कि मुस्लिम पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सुरक्षित है। इसीलिए पहले पाकिस्तान को अपने दोस्तों को देखना चाहिए और अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। भारत का एक ऐसा रहस्यमय गांव जहां पक्षी अपनी जान दे देते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इस गांव के रहस्य के बारे में। यह है असम के बोरेल पहाड़ियों में मौजूद जतिंगा गांव, जहां हर साल सैकड़ों पक्षी सुसाइड करते हैं। इसी वजह से इस गांव को सुसाइड पॉइंट ऑफ बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दिन भर सामान्य तरीके से आसमान में उड़ने वाली चिड़िया सितंबर से लेकर नवंबर महीने में रात के 7 से 10 बजे के बीच पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देती है और ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है। कई लोगों का ये मानना है कि इस गांव के आसपास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसकी वजह से चिड़िया पेड़ों से टकराकर अपनी जान दे देती है और कई लोग ये कहते हैं कि इस गांव को श्राप मिला हुआ है, इसी वजह से ऐसा होता है। लेकिन आज तक कोई भी इसकी असली वजह नहीं बता पाया है। गाइस आपको क्या लगता है कि इस गांव को श्राप मिला है या इसकी वजह कुछ और है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक लार्क प्रजाति की चिड़िया जंगल में पेड़ के ऊपर बैठ के गाना गा रही थी। अचानक से वहां से एक किसान निकला जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था, तो चिड़िया ने उसे रोक के पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम कहां जा रहे हो। तो किसान ने जवाब दिया कि इस छोटे से बॉक्स में छोटे छोटे से प्यारे से कीड़े हैं, जिसे बेचकर मैं पंख खरीदने जा रहा हूं। तो चिड़िया ने जवाब दिया कि पंख तो मेरे पास भी हैं, क्यों ना हम एक काम करें, तुम मुझे कीड़े दो, बदले मैं तुम्हें पंख दूंगी, जिससे मुझे कीड़े ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने शॉर्टकट दिमाग में लगा लिया। किसान ने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसान ने उसे कीड़ा दिया, बदले में उसने एक पंख दिया और यह सिलसिला कंटिन्यूसली चलता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उस चिड़िया के पास एक भी पंख नहीं बचा। फाइनली किसान ने उसे कीड़े देने से मना कर दिया और वो खुद भी शरीर पे एक पंख भी ना होने की वजह से कीड़े ढूंढने लायक भी नहीं बची और फाइनली मर गई। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज गाइस, कभी कभार शॉर्टकट आपकी जिंदगी को शॉर्ट बना देते हैं, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। एक बार एक बंदा सुबह अखबार पढ़ रहा था, अचानक से उसकी नजर डेथ कॉलम पे पड़ी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। ये देख के वो हक्का बक्का रह गया। एक्चुअली गलती से अखबार वालों ने उसका नाम छाप दिया था। वो सोचने लगा कि मैं जिंदा भी हूं कि नहीं। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसने सोचा कि मैं देख तो लूं कि लोग मेरे बारे में लिख क्या रहे हैं। तो जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। एक्चुअली उसमें लिखा हुआ था कि डायनामाइट का बादशाह मर गया, वो मौत का सौदागर था। ये शब्द देख के वो सेल्फ रियलाइजेशन में चला गया और सोचने लगा कि मरने के बाद क्या इस तरह से लोग मुझे याद रखेंगे। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया।